ये देखिए, ये डबल कटोरी वाला ब्लाउज है, डबल कटोरी है इसमें, देख सकते हो। ठीक है, डबल कटोरी की ब्लाउज है। तो इसका मेजरमेंट लेने से पहले सबसे पहले बटन को हम लगा लेते हैं, उसके बाद मेजरमेंट लिया जाता है अच्छे तरीके से, परफेक्ट। तो बटन हम लगा लेते हैं, ये देखिए बटन लगा लिए। और ये देखिए, ये लेडीज सिया हुआ है, जेंट्स का सिला हुआ नहीं है। तो सबसे पहले इसका हम लेंथ यानी कि लंबाई मेजरमेंट करते हैं। ठीक है, ये देखिए लंबाई मेजरमेंट करते हैं। तो इसका जो लंबाई है वो है 14.5 इंची। तो 14.5 इंची इसका लंबाई हो गया। इसके बाद चेस्ट, तो यहाँ से इस तरीके से रखेंगे इंची टेप को, यहाँ से इस तरीके से हल्का इस तरीके से टाइट करेंगे, ये देखिए। और ये जो है 20.5 आ रहा है, एक बार हल्का और बढ़िया से टाइट कर लेते हैं। ये देखिए, ये जो आ रहा है 21 इंच आ रहा है। ठीक है, तो 21 तरह का ये हो गया 42। और देखते हैं कमर, ये देखिए कमर जो है यहाँ से इस तरीके से देखें, तो ये आ रहा है 18.5। ठीक है, यानी कि 37। ओके, इसके बाद देखते हैं शोल्डर। ये देखिए शोल्डर है 12, शोल्डर 12। ये हो गया मेरा। अब स्लीव्स यानी कि बाजू 6 इंच है लंबाई। और घेरा जो है 6 इंच है, 12, 6 हो गया लंबाई और 6 हो गया घेरा। आगे और पीछे का गाला दोनों सेम है, 6 इंच, इधर से भी 6 इंच। अब इसको हम साइड कर लेते हैं, मेजरमेंट मेरा परफेक्ट हो गया। ये देखिए, ठीक है, ये गाला हो गया 6, बैक फ्रंट दोनों 14.5 लंबाई हो गया, 42 सीना हो गया, 37 कमर हो गया, शोल्डर जो है 12 हो गया, और ये 6 इंच बाजू की लंबाई हो गया, और घेरा जो है 12 हो गया। ठीक है, 6 बाई 6 12 हो गया घेरा। और ये आगे का गाला पीछे का गाला दोनों 6 ही है,